सिटी पोस्ट में आपके साथ मैं हूं अनामिका। कल हम सबको बताया भारत बंद था और बंद की जो वजह थी वो भी आपको बता दूं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो नया कृषि कानून लाया गया है उसके विरोध में कई किसान संगठनों के साथ ही विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उसके लोग भी सड़क पर उतरे थे भारत बंद करने के लिए। बिहार में तो निर्धारित समय 11 बजे से पहले कई स्थानों पर सुबह 6 बजे से ही विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया था। तो देखिए, एक तो बंद एक कहते हैं ना कि कोई ना कोई कारण बनना चाहिए, तो बंद तो एक कारण था लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन भी ये हो सकता है। सड़क जाम करने से लेकर के रेल रोको अभियान तक चलाया गया। महागठबंधन में शामिल भाकपा माले सीपीआई सीपीएम के अलावा कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विरोध करते नजर आए। आपको पता है कि बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन को हार मिली, जीतते जीतते हार मिली है, ये हम सबको पता है। अब देखिए, जन अधिकार पार्टी के वर्कर भी काफी संख्या में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए थे क्योंकि ये भारत बंद को लेकर के। राजद के कार्यकर्ता भी विभिन्न जिलों में भारत बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे, पर वे नजर नहीं आए जिनको सभी की नजरें तलाश कर रही थी। जी हाँ, सभी की नजरें जो थी वो सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी। दरअसल हैरत की बात ये रही कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारत बंद में कहीं भी नहीं दिखे, जबकि 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि किसानों के लिए अगर सरकार मुझे फांसी पर लटका देगी तो मंजूर होगा। भारत बंद से गायब रहने पर अब जेडीयू ने तेजस्वी पर करारा हमला बोला है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति के बहरूपिया तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपना रंग दिखाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संकल्प लिया, मछिया पर बैठकर अपने बुजुर्ग नेता को अपमानित किया और आंदोलन के दिन फरार हो गए। यानी कि कल जो भारत बंद था, जगह जगह पर जितने कार्यकर्ता थे, जितने राजनीतिक दल के नेता लोग थे, वो लोग उतरे हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं नहीं थे। नीरज कुमार ने कविताई अंदाज में भी कटाक्ष किया है, कमेंट किया और कहा कि लालू के दागी लाल ने कर दिया कमाल, छोड़ा मैदान और हो गए अंतर्धान। हम करेंगे मस्ती, तुम करो ड्यूटी, जनता से हमें क्या लेना देना, हम तो चलेंगे सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीतिक चाल। वहीं राजद ने नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के को बचाव करते हुए कहा है कि उनके निर्देश पर ही राजद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो जितने भी लोग थे वो भारत बंद को सफल बनाने में लगे हुए थे। हमारा मकसद था गांव को बंद करवाना, लेकिन फिर सड़क फिर जो शहर थे वो क्यों बंद किए गए। तेजस्वी यादव की कामयाबी रही कि ऐतिहासिक बंद रहा, मासूम की जान चली गई, आम जनता परेशान रहे, लेकिन ऐतिहासिक बंद रहा। तेजस्वी यादव निजी कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन राजद के एक एक लोग तेजस्वी यादव के सिपाही बनकर खड़े थे। कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा ने भी कहा कि ये खामी ढूंढना ठीक नहीं है कि वो मौजूद नहीं थे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया था कि वो 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान शांतिपूर्ण तरीकों से सड़क पर उतरे और किसान विरोधी कानून का विरोध करें। ये शांतिपूर्ण सिर्फ कहने के लिए था, बल्कि इसमें काफी ज्यादा चीजें जो है वो सामने आई है, इसलिए तेजस्वी यादव खुद मौजूद नहीं रहे। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को राजद कार्यकर्ता शहर से लेकर गांव तक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। बहरहाल 8 दिसंबर का पूरा दिन बीत गया, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में हर कोई यही पूछ रहा है कि तेजस्वी आखिर फिर कहां गायब हो गए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि हालांकि इस बंद के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो दिल को दहला दे रही। एक मासूम की जान चली गई, वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाई। जो ये कार्यकर्ता थे बंद के, जितने लोग लगे हुए थे, वो लोग उस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिए ताकि वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसको शांतिपूर्ण कहा जा रहा है। अगर ये शांतिपूर्ण तरीका है तो तेजस्वी यादव से जरूर सवाल ये है कि आप क्यों नहीं वहां रहे, कहां गायब थे आप जब आपके कार्यकर्ता आपके जो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया था वो भी फॉलो नहीं कर पाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए।